ए गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो भाई रात जो है यहाँ पर सोलंग वैली में हम लोगों के लिए रात ज़्यादा हो गई थी शाम का टाइम, तो यहाँ से निकल भी नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है तो पैदल जाना पड़ता था। तो हमने सोचा कि यार क्यों ना यहीं पर होटल में मतलब रूम्स वगैरह ले लेते हैं, बुक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर दो रूम बुक कर लिए, थोड़े महंगे तो पड़े लेकिन भाई मजा आ गया ऐसे व्यू पर लेकर। और बाकी मैं अभी आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ गाइस कि कैसा है, कितना तगड़ा व्यू है यार इस होटल से बाहर का व्यू। ये देखो गाइस, मॉर्निंग का जो व्यू है भाई कुछ इस तरीके का है। रात को हुआ है स्नोफॉल यहाँ पर और बहुत ही तगड़ा। ये देखो आप, पेड़ पर पूरा बर्फ, कल इस इन पहाड़ों पर बिल्कुल भी बर्फ नहीं थी। और इस साइड में आप देखो भाई, क्या कल यहाँ पर अपनों ने स्किंग की थी ना, इसी जगह पर की थी। अब आप कल का व्यू इससे कंपेयर करना, लास्ट वाले ब्लॉग में देखना कि किस तरीके का व्यू था। और भी चलो अभी ऊपर छत पे चल के आपको दिखाता हूँ भाई किस तरीके का नज़ारा आया आज। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ छत पर और ऊपर से भाई जो व्यू दिखाई दे रहा है ना यार, अलग ही फीलिंग आ रही है। क्या भाई, मुँह से और आँखों से इस व्यू को बयां नहीं किया जा सकता। ये देखो, ओह माय गॉड, देख रही है ठंडा हो भाई, बहुत ज्यादा ठंडा है। मजा आ गया यार, कुछ भी सही यार, यहाँ पर रूम लेने से काफी ज्यादा तगड़ा व्यू जो देखने को मिल रहा है ना। ओह माय गॉड, देखो भाई ये रहा था अपना होटल और उसके साथ में ये जितनी सारी बर्फ। ये देखो भाई चारों तरफ से ये ऐसे ढका हुआ है जैसे कि, ओह माय गॉड। ये देखो भाई, कल का व्यू तो यार बिल्कुल भी नहीं था यहाँ, बिल्कुल जीरो मान लो यार। और आज जो मजा आ रहा है ना देखने में वो एक अलग ही लेवल का आ रहा है भाई, पता नहीं पड़ा। ये देखो, ओह माय गॉड, ये तो देखो भाई। गाइस फिलहाल बहुत ज्यादा हिम्मत करने के बाद भाई हम लोग नहा धोकर हो गए एकदम फ्रेश। इतनी ज्यादा ठंड है लेकिन यहाँ पर गीजर वगैरह लगा हुआ है ना रूम में, तो उससे गर्म पानी आ रहा था। उसके बाद हम कुछ हिम्मत जुटा पाए और एकदम हो गए, ओ सॉरी एकदम। पहले मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ कैसा है। ये देखो भाई कुछ इस तरीके का है अपना ये रूम। ठंड में ये नहाया तो है ना लल्ला तू? भाई मैंने नहाया हूं, क्यों कल नहाया था? कल कहाँ आया? कल कहाँ झूठ बोला। देखो हीटर में ताप रहा है, हीटर लगा हुआ है ठीक है। और इस तरीके का भाई रूम कुछ है, मतलब काफी अच्छा है रूम। ठंड वंड नहीं लगी थी क्योंकि यार इसमें ना ये जो लकड़ी इस्तेमाल हुई है ना, ये वाली ये लकड़ी है भाई, इसमें किसी तरीके का कोई वो नहीं है। और वॉशरूम वगैरह सारा कुछ एकदम फ्रेश साफ है। तो चलो भाई बाहर चलते हैं अभी घूमने के लिए। तो भाई अभी आ गया हूँ मैं बाहर अपने होटल से निकल कर और नजारा है कुछ इस तरीके का। और अभी तो इतना ज्यादा मस्त है ये, और क्या ब्यूटीफुल लग रहा है सारा कुछ। चलो भाई यहाँ एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से एक 4x4 गाड़ी करने के बाद सीधा निकलते हैं हम लोग अटल टनल के लिए। तो चलो भाई एंजॉय कर लेते हैं। और हाँ, काफ़ी सारे फोटोज और रील्स वगैरह आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखने को मिल सकते हैं, तो जिसने भी अभी तक फॉलो नहीं किया है जल्दी से फॉलो कर लो गाइस। और अभी जा रहा हूँ मैं धूप की तरफ। ओह माय गॉड, ये देखो भाई मजा आ रहा है भाई, धूप आ गई। देखो कल तो बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुई है भाई, रात में पूरे स्नोफॉल रही, लेकिन हम लोग देखना चाह रहे थे लेकिन सो गए। उसके बाद से रात में हुई थी ना, तो सोने के बाद फिर कुछ पता नहीं चला हमारे लिए। हाँ तो गाइस होटल को करते हैं चेकआउट और निकलते हैं यहाँ से। आओ भाई, जो भी सामान है सारा कुछ निकाल कर ले आना। ये वाला जो देखो भाई, ये अपना सेकंड रूम, दो रूम ले रखे थे अपने लोगों ने देखो। तो गाइस अभी कुछ लोगों से ऐसे पता किया हम लोगों ने अटल टनल के बारे में, तो वहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई अब ज़्यादा आप लेट हो चुके हो तो वहाँ का जो रास्ता है वो मतलब बंद हो जाता है, या तो आप मॉर्निंग में जल्दी निकल जाओ तब तो आपको मिल जाती है खुली हुई, उसके बाद बंद हो जाती है। पहुँचने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है, 12 बज चुके हैं। तो अब हम लोगों ने सोचा है कि अब हम लोग करने वाले हैं पैराग्लाइडिंग, जो कि बहुत ऊँचाई से होने वाली है। यहाँ पर भी हो रही थी
लेकिन यहाँ पर थोड़ा नीचे आई थी, मतलब इतनी ज्यादा ऊंचाई नहीं थी। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे के लिए, तो वहाँ पर करेंगे हम लोग पैराग्लाइडिंग। तो गाइस पैराग्लाइडिंग का अपडेट ये है, सीन कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ अर्जेंटली ऐसा काम निकलाया, घर से कॉल आ गई, तो फिलहाल सभी लोगों ने ये डिसाइड किया कि वैसे तो हमें पैराग्लाइडिंग भी करनी थी और भी बहुत सारी एक्टिविटी हमारी बची हुई थी, वैसे तो मेन हमारा पैराग्लाइडिंग का फंडा था वो हम नहीं कर पाए अपना। उसके बाद हमने सोचा कि हाँ डायरेक्टली हम लोग निकलते हैं घर के लिए। फिर उसके बाद में कोई भी लोग बीच में कोई शूट नहीं कर पाए इतनी जल्दी की वजह से, और अभी फिलहाल रास्ते में रुके हुए थे सभी लोग, तो भाई ठंड वंड थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, तो कॉफ़ी वॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब इसको इन्जॉय करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि हम कहाँ के लिए निकलते हैं, मतलब या नोएडा पहुँचते हैं या तो फिर सीधा अपने गाँव के लिए निकलेंगे, जो भी अपडेट रहेगा आपको मिल जाएगा। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई अपने ऑफिस पर, पूरी रात गाड़ी ड्राइव की है अजय ने, 1 बजे तक मैंने ड्राइव की थी, फिर उसके बाद अजय लेकर आया है, मतलब काफी ज्यादा, मतलब पूरी रात ही गाड़ी चली अपनी यार। हम लोग शायद चले थे 15.5 घंटे चलिए, 15.5 से ज्यादा चलिए, 16 हाँ 16 घंटे के समथिंग गाड़ी ड्राइव की है लगातार कंटिन्यूसली, कहीं पर भी गाड़ी रुकी नहीं है भाई, लगातार गाड़ी आई है अपनी। और अभी फिलहाल ऑफिस पर पहुंच चुके हैं, तो ऑफिस पर सभी लोग अपना खाना पीना खा रहे हैं, क्योंकि गाइस वहां पर तो हम अपना जितना भी खाना पीना लेकर गए थे वो तो कुछ बना नहीं पाए, लेकिन अपनी ऑफिस पर लाकर फिर हम लोगों ने बनाया, कहीं पर भी नहीं बना पाए इस वजह से। तो अभी गप्पू भाई ने अपने ने ये चावल बनाए हैं, देखो भाई इस तरीके के मिर्च बहुत डाली है भाई आज भी, तो मिर्च बहुत तेज करता है हर चीज में। अब तारीफ कर रहे हो, बदनामी कर रहे हो। तो भाई देख लो ये सारा कुछ सीन। तो भाई ट्रिप बहुत ज्यादा मजेदार रही, बहुत मजा आया, सारा कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन यही था कि थोड़ा कम समय दे पाए हम ट्रिप पर, और ज्यादा टाइम रहता तो और ज्यादा बेस्ट रहता, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे फिर से। काफी सारी एक्टिविटी रहेगी, पैराग्लाइडिंग वगैरह सारा कुछ करने को सोच रहे थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। तो चलो गाइस इस ब्लॉग में हम यहीं पर एंड करते हैं, अगर पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट शेयर जो भी करना हो कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।